सीरियस करे बा उजा कला से भगैल आ भगैल का गनी बात खुद भी कदर पारे वाला आदमी छी हम कमबै छी खाय छी ना कमबै छी सहय छी बाल बच्चा नो बात लेकिन गरीब आदमी है तो घर बनाने में सर कितना मेहनत लगता है वो आप नहीं जानते हैं, पूरे समाज के लोग जानते हैं। लेकिन जो नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार, मैं हूं संत कुमार। पीछे बुलडोजर चलता हुआ देख रहे हैं आप। यूँ समझने के लिए काफ़ी है कि सरकारी आदेश की अवहेलना किस प्रकार महंगा पड़ सकता है वो आप समझ सकते हैं। जो हमारे सुशासन की सरकार नीतीश बाबू का शौचालय यहाँ तो 12,000 का है ना, 12 सेकेंड नहीं लगा ढास होने में। बस तो समझना है आप लोगों को कि क्या खामियां रह जाती है हमारे और हमारे लिए बनी प्रशासन के बीच में, जो इस प्रकार से बुलडोजर चलाना पड़ता है उन गरीब लोगों के ऊपर बड़ी मशक्क़त के। मुझे लगता है कि इन झोपड़ी को बनाने में उनको एक उम्र गुजर जाता है, लेकिन समझना दोनों की तरफ से है। जो भी है, जैसी भी खामियां रही हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, आप महसूस कर सकते हैं। और सारी घटनाएं मैं विवरण से आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से उन झोपड़ी को महल कह सकते हैं उनके लिए, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में बनाया होगा, और उसको गिराने में मात्र 10 से 15 सेकंड लगे। बने रहिए बीटीवी न्यूज़ बिहार के साथ, मैं पूरी घटना बार बार दिखा रहा हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ सर पानी टंकी बनाया जा रहा है, जो पानी भागने का रास्ता भी नहीं है। और यहाँ हम लोग पासवान समाज के लोग हैं जी, इसीलिए यहाँ बनाया जा रहा है। समाज मतलब जो टंकी वर्ग के लोग हैं, जमीन बलरा बता रहे हैं कि गैर मंजरुआ आम है, यानी कि सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन थोड़ा सा है, थोड़ा सा मतलब हाँ, दो कितना होगा ऐसे तो पूरे उनके पास 19 कट्ठे का रसीद है बता रहे हैं। टोटल तो पूरे समाज ही उसी में बसे हुए हैं, उसमें बसे हुए हैं। यहाँ से करीब तो इनके पास नोटिस तो नोटिस आया था तो खाली कर देना चाहिए था ना, घर होगा लमसम। हाँ, लेकिन गरीब आदमी है तो घर बनाने में सर कितना मेहनत लगता है वो आप नहीं जानते, बिल्कुल समझ सकते हैं। लोग जानते हैं। लेकिन जो ये गड्ढा का जो जमीन है, यहाँ पर एतराज है लोगों को कि खाली बनना नहीं चाहिए। सर यहाँ अगर बनता है हाँ, तो पानी कहाँ जाएगा? पानी तो घर घर जाएगा ना, घर घर जाएगा, लेकिन समाज के लोग डूबेगा फिर नहीं, उसी क्यों डूबेगा? नलके के पानी से, नलके के पानी से डूबता है। पीडब्ल्यूडी का बड़ा टंकी बनेगा, बहुत बड़ा टंकी, पानी कहाँ भागेगा? अब मैं आपके भावनाओं का कदर करता हूँ, लेकिन जो सरकारी जमीन है उसका भी तो होना चाहिए। और कोई क्या जी, नए लड़े लड़के हैं, बोलो, आप लोग युवा हैं क्या जी? काम ठीक हो रहा है यहाँ पे? पानी टंकी छोटा बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए, लेकिन जमीन सरकारी है, सरकारी लेकिन जो जमीन वो लोग बसे हुए हैं उनको खाली करना तो नोटिस दिया गया था, यहाँ पुलिस पहले भी आती है? नहीं पता है आपको? छोटा अगर पानी टंकी बनता तो बहुत बढ़िया रहता जी, समाज का भी विकास होता। मतलब आप लोग चाहते हैं टंकी बने, बस ऊंची मीनार ना बने। ऊंची मीनार, आप लोग डर तो नहीं रहे हैं कि कहीं मीनार गिर जाएगा? तो बिहार में ऐसा होता है, बहुत गिर गए हैं, बहुत जगह गिरा है जी, इसलिए डर रहे हैं कि ऊंची मीनार गिरेगा तो गिर जाए, डर जाएंगे। अगल बगल भी गरीब आदमी मर जाए, उसके लिए भी तो प्रावधान है ना हमारे लिए। जिलाधिकारी महोदय हमको ये 3-4 दिन पहले या महीनों दिन से नोटिस दे रहे होंगे, तब आए हैं। जैसे नोटिस दिए, बात सही है जी, लेकिन ये भी है ना, बड़ा टंकी बन जाएगा, अगर गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? आप समझ सकते हैं, दोनों भावनाओं को कदर करनी होगी। संवैधानिक बात अपनी जगह और सरकार अपनी जगह, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जेसी भी बहुत बड़े बड़े हैं आज कानून के हाथ जगह पर, आप देख सकते हैं। हमरा कोई आयु पाछा है, हमें खुद भी कदर पारे वाला छी, ऋण कर्जा ले ला किस्ती उठा उठा को आर पैठाना करे लिए, गरीब आदमी कहां तक को खेत पथार आर बात पहुंचा नहीं दे छी, ऊपर तो रख करके बाल बच्चा के जान वाले के मारे छे, इधर रुपए साफ करे। कैसा अतिक्रमण हट रहा है? ये तो 2 साल पहले जो है ये PhD के द्वारा ये जल मीनार बनना है जी, बड़ा वाला, उसी के लिए NOC दिया गया था, लेकिन NOC देने के बाद यहाँ पे जो भी स्थानीय ग्रामीण 5-6 लोग उनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। जमीन किस प्रकार का है? खास जमीन है, खास जमीन है जी। तो यहाँ पे हम लोग अंचल में जो होता है अतिक्रमण का जो विधिवत संहारित करके जी, उनको जो भी नोटिस देके बुलाया गया, उसका सुनवाई किया गया, और आज से 1 महीना पहले लगभग इनको हम लोग बता दिए थे कि आप जमीन खाली कर लीजिए, तो फिर इसको हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। सही क्रिया नोटिस दिया गया, ये लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती आज ही दलबल के साथ आए, पास उसका रिसीविंग मिला है, वो चाहें तो आके देख सकते हैं। कैसा जल मीनार आप लोग सिर्फ खाली करवाना है? हम लोग हमारे PhD वाले बताएंगे, PhD वाले मालूम जल मीनार बनेगा, जल मीनार बनेगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या करवन हटने के बाद क्या होगा यहाँ पे? पीएचडी से जल मीनार बन रहा है जी, बड़े वाली जल मीनार जो 80 फीट वाली टावर बनती है, 18 मीटर की हाइट की बनेगी। अच्छा, 18 मीटर हाइट की। तो लोग आपत्ति कर रहे हैं कि जल निकासी का जगह नहीं है, ये सब सब कम्फर्टेबल है इसमें से पाइप के द्वारा घर घर जल चला जाएगा, यहाँ जल वांटेड जल निकलेगा ही नहीं।